इसको लिख लो फॉर्मूले, ये लिख लो प्रॉब्लम। इंडिया में इनिशियल नौकरी ढूंढने की दिक्कत तो है ही सही भाई, एमबीबीएस भी करोगे तो समस्या है, आप क्लिनिक खोलो कोई नहीं आएगा 5-7 साल, जॉब करोगे हॉस्पिटल में तो 50-60-70 हजार, 4-5 साल का स्ट्रगल तो रहता है, उसके बाद फिर आदमी थोड़ा स्टेबल हो जाता है, फिर कमा लेता है। देख लिए, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ना है टू डायमेंशनल मोशन। तो जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड का कल डिस्कशन लिया था पूरा, तो वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन में कोई फर्क नहीं, दोनों लगभग बिल्कुल सेम है और दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करनी होती है। तो कहने को बस कुछ फॉर्मूले ऐड हो जाते हैं, बट मेनली ये भी बेस्ड हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पे, फर्स्ट कब लगाना है, सेकंड कब लगाना है, सेम टू सेम, वो फॉर्मूले लिख ली। चले, ये तीन फॉर्मूले पे लगभग पूरा चैप्टर टिका है, कुछ इनमें हम लोग रिलेशन भी बनाएंगे। देखना, सबसे पहले आप देखें, एक मिनट लिखना बंद कर देखें इधर। सबसे पहले जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पिछले 3-4 दिनों में, जो वनडे में पढ़ रहे थे, और अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या फर्क है। तो जब वन डायमेंशनल मोशन की बात होती है तो वहां पर हम लोग चीजों को क्या करते हैं, सिंगल डायरेक्शन में फेंकते हैं। सिंगल डायरेक्शन में फेंकने का मतलब क्या हो गया, या तो आप उसको क्या करोगे ऐसा फेंकोगे ऊपर, तो या तो आप उसको क्या करोगे ऐसा फेंकोगे। तो जब आपने ऐसा फेंका तो मोशन कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। तो या तो सिर्फ किस में होगा, वाई में होगा, या फिर ऐसा फेंकोगे तो सिर्फ किस में होगा, एक्स में होगा। बट टू डायमेंशनल मोशन में मोशन एक्स और वाई दोनों में साथ में होता है, मतलब पार्टिकल कुछ एक्स में भी चलेगा और पार्टिकल कुछ वाई में भी चलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टॉपिक ही यही, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूंगा, इसका मतलब क्या करना है मुझे, ना ऐसा फेंकना है ना ऐसा फेंकना है, कुछ एंगल पे। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ एंगल पे। तो जब उसको मैं कुछ ना कुछ एंगल पे फेंकूंगा, जब उसको कुछ ना कुछ हम लोग एंगल पे फेंकेंगे ऐसा, तो उसका मोशन जो कैसा होगा, ऐसा होगा पैराबोलिक पाथ। तो उस पैराबोलिक पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देख लीजिए, अब सवाल ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से पैरामीटर है जो अपने को ध्यान रखना है, तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने बोला उसको हमने क्या किया, एंगल पे फेंका। तो आपने इसको फेंका यहां से, यहां से ये उड़ते हुए कहां पे आया, यहां 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 कहां पे गिरा, यहां। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। निश्चित तौर पर ये नया नहीं, वन डायमेंशन मोशन में बता दें टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, फ्लाइट मतलब उड़ना। तो वहां भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, पहले ऊपर जा रहा है एसेंट प्लस क्या जा रहा है, डिसेंट। तो यहां भी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होगा टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब सिंपल पत्थर। तो इस चैप्टर में पत्थर ही फेंकना है, बस पत्थर हम लोग क्या करेंगे फेंकते चल जाए। तो जब भी किसी चीज को आप फेंकते हो, फेंका कहां से, यहां से, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन मतलब शब्द पढ़ना, प्रोजेक्ट मतलब फेंकना। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस पॉइंट से फेंका, तो जहां से फेंका उड़ते 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 क्या, यहां पर जहां पर गिरा
तो ये पूरे समय को यहां से लेके यहां तक के पूरे इस समय को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्वियसली फॉर्मूले भी सेम होंगे जो वहां पढ़ाए थे, काफी कुछ, बस फर्क थोड़ा सा ये आएगा कि यहाँ पर दो वेलोसिटी होगी, जैसा कि बेसिक वेक्टर में भी पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ देखो, अगर इसको वाई के अलोंग फेंकते तो 1D होता, अगर एक्स के अलोंग फेंकते तो भी क्या होता, 1D। यहाँ पर क्या किया, वाई और एक्स के क्या किया, बीच में कुछ एंगल पे फेंका। ये एंगल किसके साथ है, हाँ एक्स बोलो, या इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो फेंका कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। थीटा एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपोनेंट तो ना, कॉस थीटा कौन सा होता है, थीटा के साथ। तो जब इस यू के कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, यू साइन। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस भी वेलोसिटी से आप फेंकते हो उस वेलोसिटी को दो भाग में तोड़ना होता है। एक वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होती है जिसे हम लोग यू एक्स कहते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि यू कॉस थीटा या टू, मैं आपको बोलूंगा यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन की, कौन सी वाली, ये वाली, और दूसरी होगी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वाई मतलब वाई डायरेक्शन। तो ये वाली बन जाएगी यू कॉस थीटा और ये वाली बन जाएगी यू साइन थीटा। तो वो तीन फॉर्मूले कौन कौन से हो गए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बोला सबसे पहले क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा आप देख सकते हो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम। होता भी जब किसी चीज को मैं आप फेंकोगे, किसी भी पत्थर को अगर आप फेंकोगे तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाए ग्राउंड।